नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की राय देने से माजरत, नवाज शरीफ की दस्तावेजात अधूरी, ताज़ा क्लिनिकल रिपोर्ट के बगैर राय नहीं दी जा सकती। प्रोफेसर आरिफ नदीम की सरबराही में बोर्ड ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। जहांगीर तरीन जो मतलब के वो बैठे हुए नाराज बैठे हुए जहांगीर तरीन और दीगर जो ग्रुप से, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस टाइम पे जब आप तहरीक आदम एतमाद? मशवरा देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार बैठे। जहांगीर तरीन और दीगर ग्रुप तहरीक आदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। मरियम नवाज का 24 न्यूज से गुफ्तगू में बड़ा दावा, कहा जहांगीर तरीन और दूसरे ग्रुपों को मशवरा देने की जरूरत नहीं, पार्टी को फाल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया गया, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी जहाँ फिशानी से निभाऊंगी। नून लीग की मीटिंग्स को नवाज शरीफ हेड कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च होती है तो क्या मरियम नवाज उसको लीड करेंगी? आप नून लीग के वर्कर्स को लेके आएंगे? भाई मुझे पार्टी इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी जान फशानी के साथ निभाऊंगी इंशाल्लाह। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीटीएम मुतहर्रिक मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में शहबाज शरीफ से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर मौलाना को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। पीटीएम का वर्चुअल इजलास भी होगा। तहरीक में एतमाद और इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत होगी। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। एक धेले की करप्शन नहीं की, सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। हुकूमत ने बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस बनवाया मगर सुरखुरू हुआ। सूबे के अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत में रोस्टम पर गुफ्तगू। इमरान खान के लिए दो रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिजाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा। वज़ीर आज़म तहरीक में एतमाद से पहले असेंबली तहलील कर सकते हैं। मुमकिन है इमरान खान की जगह 23 मार्च परेड में कोई और शिरकत करे। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान का दावा, कहा इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएंगे। हालात से लगता है तहरीक में एतमाद कामयाब होगी। हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं जी। कह रहे आपको मिनिस्ट्री मिल गई, हम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मोहसिन साहब आप सुन ले, हम बलोचिस्तान की अक्खू की बात करने आए हैं। हुकूमत इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट से वॉकआउट, मंजूर काकड़ कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है, वजारत के लिए इत्तेहादी नहीं हुकूक की बात करते हैं, बलोचिस्तान पर रहम किया जाए। आजम सवाती इत्तेहादी जमात के अरकान को मनाकर ऐवान में वापस लाए। पाकिस्तान में 61% पानी पीने के काबिल ही नहीं। मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद और गिलगित बल्तिस्तान का पानी 100% गैर महफूज। कराची में 93%, बदीन में 92%, हैदराबाद में 80%, मुल्तान में 94%, सरगोधा में 83%, मुजफ्फराबाद में 70%, फैसलाबाद में 59% पानी गैर महफूज। 29 शहरों में से कसूर का पानी सबसे ज्यादा महफूज करार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐवान बाला में तहरीरी जवाब। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमतों में मुतवक्के इजाफे को मुस्तरद कर दिया। रवां साल में बिजली का यूनिट 2.80 रुपए तक मजीद महंगा करना तशवीशनाक। बिजली महंगी होने से सनत की पैदावारी लागत मजीद बढ़ेगी। हुकूमत बिजली मजीद महंगी करने से बाज रहे।